गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ऑब्वियसली क्रिसमस के लिए DIY वीडियो। और ये मैंने बस लाइक बहुत जल्दीबाजी में सोचा था, मैंने ऐसा कुछ बहुत पहले से नहीं सोच रखा था कि मेरे को ये वीडियो बनाना और ऐसा कुछ। तो मैंने ये जो DIY बनाया है सब 20 सामान से बनाया है। तो हमारा जो फर्स्ट डी कैसा बना है वो हमारा जो फर्स्ट DIY है वो है सेंटा क्लॉज, जो कि मैंने एक बॉटल से बनाया था। और वो बॉटल भी हमारे यहाँ पे विकास रहता है, उसने दिया था। मैंने कहा यार इससे तो अच्छा क्या सेंटा बन जाएगा, मैंने इमीजिएटली सोचा था। ये कोई मतलब पहले से नहीं सोचा था, इमीजिएट सोची थी, ठीक है। वो मुन्ना भी है कि जैसा ना इमीजिएट नहीं सोचा, हम इमीजिएट ही सोचे थे। तो ये मैंने बनाया है, वो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे बैकग्राउंड में रखा, यही बनाया मैंने। ये बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसमें पूरे में कॉटन से बनाया, बाकी जो भी मैंने बनाया जैसे ही बनाया आप वीडियो में आगे जाके देख लोगे तो देख लो वीडियो। सो गाइस इसको स्टार्ट किया है मैंने। इसमें क्या करा है कि मैंने इसमें एक कैप लिया, उसको मैंने स्मॉल कैप बना दिया और बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर लिया। और साथ में मैंने ग्रेलिक पेंट, फैब्रिक ग्लू और साथ में सम स्टोन्स यूज़ करे हैं और गोल्डन धागा जो है वो यूज़ किया है। दैट्स इट। उसके बाद ये बॉटल है, ये बॉटल ओल्ड मॉन्ग की कोई बॉटल है, मुझे तो पता भी नहीं। तो ये मुझे किसी ने दी थी तो मैंने उसी से सेंटा क्लॉज को बनाया है। और इसमें सबसे पहले मैंने क्या करा है कि मैंने इसमें स्किन कलर का जो है वो कलर लगाया है ऊपर वाली बॉटम पे कि इससे फेस दिखेगा। तो इस पर मैंने पूरे पे लगाया है और साथ में फिर मैंने उसके बाद मैंने रेड कलर कर दिया है पूरे पे। और जहाँ पर मेरे को वाइट चाहिए था वहाँ पर मैंने नहीं किया, सिर्फ जहाँ पे मुझे चाहिए था मैंने वहीं करा रेड कलर। उसके बाद जो ये करने के बाद फिर मैंने इसको और डिटेलिंग ठीक करी, इसकी जो भी था वो इसको डबल कोट करा विद स्किन कलर। एंड साथ में फिर मैंने उसके हाथों को भी स्किन कलर से कलर कर दिया पूरा। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब बिल्कुल ईजी। एंड वो आप देख सकते हो ये ओल्ड मॉन्क लिखा हुआ है इस पर। तो ये उसी की बॉटल है, उसके फेस का मैंने लिप्स पे भी पेंट कर दिया था और मार्कर से कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको कैप पहनाया, इसका मेज़रमेंट लिया मैंने इसकी बियर्ड का, फिर उसके बाद मैंने इससे लगा दिया था फैब्रिक ग्लू से इसके ऊपर। ये भी काफ़ी 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 ईजी है, मतलब कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। बट ये है कि आइडिया बहुत ही अच्छा था कि मैंने एक मतलब बॉटल को सेंटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंने उसकी कैप पर भी लगा दिया था साथ में। तो गाइस इसमें मैंने वो जो स्टोन्स लिए थे वो लगा दिए, वो भी काफ़ी काफ़ी सही से हो गए थे, मतलब अच्छा लग रहा था। उससे भी मैंने इसके बटन वगैरह बना दिए जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ में फिर मैंने वो जो गोल्डन कलर का धागा था उससे मैंने इसकी बेल्ट बना दी। सो गाइस मैंने जो है गोल्डन कलर की बेल्ट बना दी है गोल्डन धागे से। उसके बाद मैंने ब्लैक मार्कर से पूरा आउटलाइन कर दिया है ब्लैक कलर का, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे पता है काफ़ी उभर के आ रही है चीज़ ना, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद क्या करा मैंने, स्किन कलर लिया उससे उसको एनहेंस करा और अच्छा लगने लगा, वो बहुत ही प्रीटी लग रहा था। सो गाइज हमारा जो फर्स्ट DIY था वो आपको अच्छा लगा होगा होप। तो हमारा सेकेंड DIY जो हमने बनाया था वो भी बहुत अच्छा एंड बहुत ही ईजी सा मैंने बनाया था, वो है फ्रेम्स। तो मैंने फ्रेम्स को लिया था जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, काफ़ी सारे मैंने यूज़ कर रखे थे, तो उन्हीं को मैंने क्या करा था ग्लास पे जो है फ्रेम किया था। तो मैंने फर्स्ट जो फ्रेम ही किया था मैंने ये वाले को किया था फर्स्ट में, पर ये बहुत बेकार सा हो गया था। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से मतलब लाइक चिकोरी कर दिया, मतलब मैंने इसमें ग्लिटर वगैरह ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा सा सिंपल सा हो गया था जो मैंने ठीक कर दिया। और जो मैंने सेकंड वाला किया था वो कुछ ऐसा था। सो ये रहा, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है कि इसमें मैंने यहाँ पे लाइट अटैच की है इसके पीछे, पर इसमें मैंने लाइट्स के लिए वो नहीं डाली, ऑब्वियसली बैटरीज नहीं डाली। जब मैं यूज़ करूँगी ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा आगे कैसे करके ये पूरा बनाया है मैंने और कैसे डेकोरेट किया है, कहाँ लगाया है मैंने अपनी रूम में, तो ये देख लो। सो गाइज इस DIY में मैंने एक फ्रेम लिया और उसका ग्लास निकाल लिया है, फ्रेम को अलग रख दिया और साथ में मैंने क्या किया है उसमें प्लांट्स वगैरह बनाए हैं, ट्री, क्रिसमस ट्री, जैसा आपको अगर क्रिसमस का है तो क्रिसमस का बना सकते हैं, अगर दिवाली है तो दिवाली का डेकोर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये बहुत ईजी DIY है, काफ़ी अच्छा है,
तो ये मैंने प्रिंटरेस्ट पे थोड़ा सा इसका आइडिया देखा था, ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फ्रेम पे बनाया जाए। तो मैंने इसे फ्रेम पे बनाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे ट्रीज़ क्लाउड वगैरह डाल दिया इसमें, बहुत अच्छा लग रहा था एक अच्छा सा। तो गाइज मैंने एक जिंजर ब्रेड हाउस बना दिया था और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, और इसमें मैंने स्मोक भी निकलता हुआ बहुत प्यारा सा बना दिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसको भी मैंने पेंट कर दिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में मैंने जो ट्री है और विंडोज़ हैं डोर है ये सब भी मैंने इसको ड्रॉ कर दिए थे। डिटेलिंग में भी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ज़्यादा डिटेल जितना होता है उतना अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने मून बनाया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ड्रॉ कर लिया, आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कुछ स्टैम्प्स बना दी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, ट्री स्टैम्प्स। उसके बाद फिर इस साइड भी बना दिया, मतलब काफ़ी सारी बना दी, और साथ में मैंने लिखा भी है। ये वाली साइड मैंने लिखा था बट वो ठीक से दिख नहीं रहा था, वो उल्टा लिख गया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ और डिटेलिंग कर दी, ग्रीन कलर डाल दिया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मत फिल करो, कम कम फिल करो उतना अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे जो स्टैम्प्स थी उसके ऊपर स्नो बना दी, मैंने इसके ऊपर इसलिए बनाई है क्योंकि जब हम पलटेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अंदर से मैं पेंटिंग कर रही हूँ ताकि बाहर से टर्न करना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी सारे मैंने बल्ब बना दिए, बहुत प्यारे प्यारे बल्ब बना दिए जिससे बहुत अच्छा लग रहा था जो हमारा जिंजर ब्रेड हाउस था। उसके बाद हमने इसको कंप्लीट किया, थोड़ा और डिटेलिंग वगैरह डाली जैसे कि और उभर के आए और बहुत प्यारा लगे। इसमें कलरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन के रेडी हो गया था। इसके बाद हमने इसमें लाइटिंग करी, तो लाइटिंग के लिए मैंने ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स यूज़ करी। इसके मैंने जो पीछे की साइड है वहाँ पे मैंने इसको चिपकाया और फिर इसको कंप्लीट कर दिया, एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, विदाउट लाइट विदाउट विद लाइट दोनों अच्छा लग रहा है। गाइज हमारा जो थर्ड DIY था वो भी बहुत ही प्यारा DIY था, जो कि मैंने मेरे घर पे रखा हुआ एक डियर था, मतलब काफ़ी पुराना हो गया था। एक होता है ना पूरा एंशियंट टाइप का डियर होता है, लगाते हैं लोग अपने लिविंग रूम में ड्राइंग रूम में व्हाटएवर, तो वो मैंने लिया था। वो पूरा ख़राब तहस नहस हो गया था, उसको मेरी मम्मी फेंकने वाली थी कह सकते हो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं मैं इसको DIY करूँगी, मुझे दे दो। तो ये मैंने DIY किया, ये बिल्कुल मेरे पीछे रखा है, ये भी बहुत प्यारा सा मैंने DIY किया क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस में जो होता है DIY होता है। इसमें मैंने एक सेंटा क्लॉस यहाँ पे लगा रखा और एक और था, कहाँ गया वो, हाँ ये रखा है। तो ये मैंने लिया पूरा बनाया है, जो भी बनाया है जैसे भी बनाया है आप देख लेना कैसा बनाया है और कैसे, मतलब मैंने इसको पूरा रेडी किया, कैसे डेकोरेट किया, यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट क्लिप। सो गाइज ये जो है ये एक डियर था, एक ख़राब हो गया था एज आई सेड। तो इसको मैंने क्या करा था, इसको मैंने POP लगा के एक दिन पहले रख गया था, मैंने नहीं इनफैक्ट विकास ने रखा था, और वो ही ये पूरा DIY कंप्लीट किया। वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करता है हर चीज़ में। तो ये उसने मेरे पूरा क्लीन करा। उसके बाद फिर मैंने पेंट करना स्टार्ट किया, तो इसमें मैंने वाइट कलर करने के सोचा क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस का है, तो मैंने कुछ क्रिसमस थीम पे बनाया है। बाद में मैं इसको चेंज भी कर लूँगी जैसे भी मुझे जैसा चाहिए। तो ये पेंट से मैंने करा है पूरा, तो उसको पूरा वाइट पेंट करेंगे हम, पूरा वाइट पेंट कर देंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। उसके बाद हमने सेकंड कोट में मैंने पीछे वाली साइड किया था क्योंकि पीछे वाली साइड यूज़ नहीं होता, तो एक कोट मारा था पीछे वाली साइड और पूरे में फिर से एक और कोट मारा, तो ये दूसरा कोट चल रहा था तो ये मैंने दूसरा कोट किया। इससे जो है बहुत ज़्यादा क्लीन वर्क लगता है, अगर हम फर्स्ट कोट मार के छोड़ देते तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब जो पेंट कर दिया है उसके बाद वो ड्राई हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है इसमें डिटेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो डिटेलिंग है वो भी बहुत अच्छे से करा, मैंने रेड कलर एंड गोल्डन कलर यूज़ किया। तो पहले मैंने रेड काफ़ी जगह कंप्लीट किया जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, रेड कलर बहुत ही विद द वाइब जा रहा था, मतलब क्रिसमस लुक आ रहा था। तो मैंने ये कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे ये काफ़ी अच्छा लगने लगा, मतलब लाइक इसकी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करा रेड, थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग की जिससे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैंने कंप्लीट किया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने गोल्डन लेके उसके जो जहाँ पे सींग लगाने थे वहाँ पे मैंने गोल्ड कर दिया, इसकी आउटलाइनिंग कर दी गोल्ड, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गाइस इसके सींग पे भी मैंने ऐसे ही गोल्डन कर दिया था आउटलाइनिंग साइड नीचे नीचे, जैसे बहुत प्यारा मतलब एलिगेंट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी मेरे पास जो देखा मैंने
अभी मेरे पास है वो, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा DIY लगा। इसमें आप की वगैरह भी रख सकते हैं, एज अ की होल्डर भी बना सकते हैं इसको। तो मैंने इस पर एटलीस्ट कीज़ एंड माई मास्क वगैरह मैंने इसमें टांग के रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी प्यारा लगा। इसमें मैंने सिल्वर कलर से पूरा ग्लिटर ग्लिटर वाला भी कर दिया था थोड़ा सा, और फिर इसकी आईब्रोज बना दी थी, ड्रॉ कर दी थी, इसकी आईज़ ड्रॉ कर दी थी। आईज़ पे मैंने इसके काफ़ी वो जो होता है आईज़ वाली जो होती है स्टोन्स, वो लगा दी थी, जिससे वो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग के लिए मैंने स्किन कलर और रेड कलर को पिंकिश करके लगाया था। ये बहुत ही प्यारा DIY, इसको हम की होल्डर की तरह यूज़ कर सकते थे, और ये वेरी यूज़फुल था। जो इसमें मैंने सेंटा क्लॉज लटका दी थी, एंड दैट्स द फाइनल लुक। Many times, many ways.